जनपद संभल की चंदौसी में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने भगवा वस्त्र पहनने वाले साधु संतों एवं धार्मिक स्थलों पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का पुतला फूंक कर अपना विरोध जताया। केंद्र सरकार से ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग की। अपने ताजा विवादित बयान में इस विवादित नेता ने कहा कि भगवा रंग पहने हुए लोग बलात्कार कर रहे हैं और उन्हें आगे भगवा पहनकर चूरन बेचने की बात भी कही। दिग्विजय सिंह ने भोपाल के एक कार्यक्रम में बोलते हुए जय श्री राम के नारे पर भी सवाल खड़े किए, जिसके बारे में उनका कहना था कि जय सिया राम के नारे को लोगों ने जय श्री राम कर दिया है, सीता माँ को नारे से हटा दिया, जिसका विरोध करते हुए हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने कहा कि उसके इस बयान से उनकी अंतरात्मा को गहरी चोट पहुंची है, जिसके लिए वह केंद्र सरकार से इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग करते हैं। आज आपने फुब्बारा चौक पर पुतला फूंका है, क्या है पूरा मामला? ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने जो विवादित बयान दिया है भगवा वस्त्रों को लेकर और हमारे मंदिरों मठों में जो पुजारी हैं उनके ऊपर उन्होंने उसका घिनौना आरोप लगाया है बलात्कार का, इसके विरोध में हमने यहाँ पर पुतला फूंक कर उनका विरोध प्रदर्शन किया है। भाई साहब, ये मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं श्री दिग्विजय सिंह जी, इन्होंने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं और ये बदतमीजी की सारी पराकाष्ठाएं इन्होंने पार कर दी हैं। हिंदू समाज को इन्होंने समझ कर रखा है। ये हिंदू समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि भगवा कपड़े वाले आतंकवादी होते हैं या मंदिर के पुजारी आतंकवादी होते हैं या बलात्कारी होते हैं। इसको हिंदू जागरण मंच पूर्णतः खंडित करता है और हम इसका पूरा खंडन करते हैं। इसलिए हमने उनका पतला फूंका है ताकि ये आवाज़ ऊपर तक जा सके और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके।